मतलब जमुड़िया में, जमुड़िया में, जमुड़िया में नहाए, जमुड़िया के नहावल यहाँ आगे घूम के बालेश्वर। आज 3 दिन हो गया बाबा के नहले। तो बाबा गाड़ी मिल ही जाएगा शाम तक, तो मिल ही गया 4 गाड़ी। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छी रहेंगे। सो दोस्तों, फिलहाल मेरा गाड़ी रात में लोड हुआ था और फिलहाल हम रंगामाटी पहुँच चुके हैं और रंगामाटी में अभी जस्ट पहुँचे हैं। 9 बज रहा है सुबह का, देख पा रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था। गाड़ी भी चल गया था लगभग 100 किलोमीटर। सो फिलहाल यहाँ पे गाड़ी खड़ा किए, थोड़ा टायर वायर ठंडा हो जाएगा। 4 लाइन रोड पकड़ लिए हैं और यहीं पे खड़े हैं, टायर थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर यहाँ से निकला जाएगा आगे के लिए। और यहाँ सामने देख पा रहे हैं होटल है उस अपोजिट साइड में, वहाँ पे नाश्ता वगैरह भी हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ से निकला जाएगा आगे के लिए। और लगभग 2-4 दिन से मेरा ब्लॉक नहीं आ रहा था, मेरा मोबाइल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, चार्जिंग डिस्टर्ब हो गया था, तो वही चेंज करवाने के लिए दिए हुए थे। तो फिलहाल कोई काम चलाएंगे, कोई छोटा मोबाइल रखे थे और फिलहाल इसका काम हो गया, अब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जिंग बीच में चार्ज ही नहीं हो रहा था, चार्ज लगाने से बहुत स्लो चार्ज हो रहा था, मतलब 4-5 घंटा में भी फुल चार्ज नहीं होता था। तो कोई प्रॉब्लम हो गया था, उस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ब्लॉग कंटिन्यू आएगा। फिलहाल आप तो मेरा ब्लॉग जरूर देखिएगा और अब कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अब डिस्टर्ब अगर हुआ आगे कुछ मोबाइल में, अभी दोबारा कोई डिस्टर्ब आया तो फिर दूसरा सेट लिया जाएगा, क्योंकि ब्लॉग तो बनाना ही है, तो इसलिए इसका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलेंगे। अभी डिस्टर्ब हुआ तो दूसरा सेट लिया जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, फिलहाल तो यहाँ पे खड़े हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया और टायर भी अब सोचते ठंडा हो गया होगा, आधा घंटा पहले हो गया यहाँ पे। सो फिलहाल यहाँ से अब निकला जाएगा आगे के लिए और चला जाएगा फिर विशाखापट्टनम का लोड है, और यहाँ से विशाखापट्टनम निकला जाएगा। देखते हैं, आज फर्स्ट दिन है, सेकेंड थर्ड, 3-4 दिन में पहुँच ही जाते हैं विशाखापट्टनम। और मेरा गाड़ी धनबाद टू विशाखापट्टनम ही चलता ज़्यादा, और विशाखापट्टनम से इधर कहीं भी आता है, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, झरिया, दुर्गापुर, बंगाल भी जाते हैं, उधर से रिटर्न में आते हैं। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोग से। सो दोस्तों, फिलहाल पहुंच चुके हैं टाटा और देख पा रहे हैं अभी टाटा पार कर रहे हैं, मतलब बाईपास में है, आगे डिमना चौक है। फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और आगे आगे गाड़ी जा रही है, वाले मेरा ही कंपनी का गाड़ी है, साथ में कोई गाड़ी नहीं था, लेकिन ये वो बैठा गया, पता नहीं बहरा घोड़ा जाते जाते 2-4-5 को बैठा जाएगा, कहे कि कल मेरे साथ में तो नहीं लोड हुआ, लेकिन अलग अलग जगह से 6 गाड़ी लोड हुआ मेरा कंपनी का। तो फिलहाल अभी हम टाटा में हैं और एक गाड़ी बैठाया अभी, और भी बैठाएगा और नहीं भी बैठाएगा कोई बात नहीं, ये को बैठा गया ना, 2 आदमी जाने में अच्छे लगता है, लेकिन गाड़ी और बैठा सकता है शाम तक। सो फिलहाल देख रहे हैं इधर ये सेल वाला गाड़ी सब लगल है साइड में, यहाँ पे सेकेंड हैंड गाड़ी बहुत बिकता है ना, इधर टाटा का छोटा गाड़ी का सर्विस सेंटर है। और ये रोड रहा, रिंग रोड है। सो ठीक है दोस्तों, फिलहाल टाटा पार करते हैं, उसके बाद फिर आगे रोका जाएगा कहीं पे। सो दोस्तों, फिलहाल हम आ चुके हैं, घाटशिला पार कर गए हैं और घाटशिला पार करके यहाँ पे रुके हुए हैं। थोड़ा टायर, मतलब दिन में टायर थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, इसके लिए यहाँ पे रुक गए, थोड़ा देख पा रहे पीछे गाड़ी खड़ा है साइड में, और थोड़ा टायर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से निकला जाएगा। देख पा रहे हैं तो जंगल टाइप का एरिया, लेकिन जंगल नहीं है, फिर बाजार है वो, और दोनों साइड जंगल है, हवा अच्छा आता है, एकदम फ्रेश मौसम है, हवा वाला हवा थोड़ा चल रहा है, और यहाँ पे गाड़ी लगाया तो और हम गाछ के नीचे बैठे हुए हैं आराम से, गाड़ी उधर है, गाड़ी के पास छाँव नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा गाछ ही नहीं मिलता रोड के साइड में जाते कि गाड़ी के छाँव मिले। सो फिलहाल अपने छाँव में बैठे हैं, गाड़ी तो उतनी ही है लक्ष्मी, देख पा रहे हैं छाँव ही नहीं मिलता उतना बड़ा कहीं पे, छोटा सा छाँव है यहाँ पे, तो कितना गाड़ी लग सकता है देख पा रहे हैं। और यहाँ पे गड्ढा था ना, तो केबिन खाली छाँव में ले आते, लेकिन गड्ढा के कारण केबिन भी धूप में ही रह गया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोग से। फिलहाल तो यहाँ पे रुके हैं, चाय वगैरह पिए, उसके बाद एक घंटा शायद ठंडा करके निकला जाएगा यहाँ से, फिर बहरा घोड़ा जाके आराम से, उसके बाद फिर वहाँ पर रुका जाएगा शाम तक। ऐसे अभी एक घंटा यहीं पे रुकेंगे, बाकी सब गाड़ी पीछे भी है, जो भी आ रहा है, गाड़ी था आगे आगे जो आ रहा था वो भी पीछे हो गया, मतलब वहाँ पर ओरिया लेना था उसको, तो रुक गया, हम चलते रह गए। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोग से। दोस्तों फिलहाल हम बहरा घोड़ा आ चुके थे और फिलहाल अभी खड़े हैं यहीं पर, आए थे लगभग 2 बजे तो सो गए थे, अभी शाम के 5 बज रहा है, अभी सो के उठे जस्ट, और यहाँ पे आने के बाद खाना पीना खा के सो गए थे,
अभी सो के उठे तो गाड़ी उड़ी थोड़ा सो धोए, दिखाते हैं थोड़ा सो धोए, उसके बाद फिर अभी यहीं पे खड़े हैं, ऊपर है साइड से थोड़ा मोड़ा सो धोए हैं और बाद बाकी उधर से रिटर्निंग आते समय सर्विसिंग कराया जाएगा। अभी सर्विसिंग नहीं कराए क्योंकि पानी पड़ रहा था इधर जिस समय आए थे, मुझे गंदा हो ही जाएगा फिर, तो उधर से रिटर्निंग में आते समय सर्विसिंग किया जाएगा गाड़ी को, पूरा अच्छा से वॉश किया जाएगा वाटर सर्विस, और उसके बाद फिर जहाँ का माल रहेगा वहाँ चला जाएगा। उधर से रिटर्निंग आने में अभी तो विशाखापट्टनम जाना, उधर से जब रिटर्न आएगा उस समय सर्विस कराएंगे। तो फिलहाल यही पे थे, 5 बज चुका है, देख पा रहे उधर मेरा कंपनी वाला बाबा भी आ गया पंडित जी, और दो सोले चक्का भी आ गया है, तो सब आदमी अब साथ में यहाँ से निकलेंगे। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोग से। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग आ चुके हैं बालेश्वर, और बालेश्वर टोल प्लाजा पे अभी हैं, बालेश्वर से 10-15 किलोमीटर पहले जो टोल प्लाजा है अभी टोल पे हैं, और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं चाय पीने के लिए, पक्का है। जैसे कि हम बोल रहे थे कि 4-5 गाड़ी मिल ही जाएगा शाम तक, तो मिल ही गया 4 गाड़ी, 2 गाड़ी पीछे लगा है और 2 गाड़ी देखिए आगे में है, एक आगे में सोलह चक्का, एक मेरा ये गाड़ी है, और इधर भी एक टेलर एक सोलह चक्का है। सो फिलहाल हम लोग 4 गाड़ी हो गई है, निकले थे अकेला लेकिन हो गई है 4 गाड़ी। देखिए बाबा आ रहा है, पूरा मोटा गया है पंडित जी, है ना, दूसरे वाला खा के मोटा जाते हैं पंडित जी लोग। सो फिलहाल यहाँ पे हैं, मजाक कर रहे थे बाबा से, देखिए ये है बाबा पंडित जी, नहाए कई दिन से नहीं हो, नहीं वो नहाए थे वहाँ पर ही नहीं आए, इसका बाद में कहाँ नहाए, वो प्लांट नहीं नहाए, अमाल नहीं नहाए, कहाँ पे जानते हैं, दुर्गापुर में, मतलब जमुड़िया में, जमुड़िया में नहाए, जमुड़िया के नहावल यहाँ आगे घूम के बालेश्वर, आज 3 दिन हो गया बाबा के नहीं ले, जो बाबा नहीं है लग रहा है, क्योंकि बाबा डेली ना आता है, दूसरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, नोच रहा है टायर वाल का, हमने बीच में ब्रेक सही है, सही है ब्रेक। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोग से, फिलहाल इनके टायर नोच रहा था तो सोचा ब्रेक टाइट है तो ब्रेक तो ठीक है, पता नहीं क्यों नोच रहा, कोई प्रॉब्लम होगा, दिखवाया जाएगा कल मिस्त्री से दिन में। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोग से। सो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पानी खोली से पहले जो टोल प्लाजा है, यहाँ पे बलिया होटल है, और यहीं पे पहुंच गए हैं, और पीछे वाला गाड़ी सब अभी नहीं आया है, लोग आ रहा है 10-12 किलोमीटर पीछे कॉल किए तो बोला आ रहे हैं। सो फिलहाल हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, और यहाँ पे होटल है एक, सामने देख पा रहे हैं बलिया होटल नाम है। सो फिलहाल यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं, वो लोग आता है सो सब आदमी साथ में खाना खाएंगे, यहाँ पे गाड़ी लगाने की तो जगह नहीं है, अंदर पार्किंग भी फुल है, सो फिलहाल रोड के साइड में लगा के खाना खा लेंगे, और खाना खा के आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ जगह मिलेगा वहाँ पे फिर आराम किया जाएगा, और अभी रात के 11 बज रहा है। सो फिलहाल यहाँ पे हम लोग टोल प्लाजा पर पहुँच चुके हैं, और खाना पीना खा के आगे जाके कहीं सोया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं, देख पा रहे हैं रोड में गाड़ी लगा कर रखे हैं, रोड के साइड में लगा कर रखे हैं, और सामने टोल प्लाजा है, तो टोल पार करने के बाद जगह मिल जाएगा, तो यहाँ पे खाना खा लेंगे, उसके बाद टोल प्लाजा के आगे जाके अपना आराम से शुरू करना वो करा जाएगा, नहीं तो फिर निकला जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, पहले वो लोग आ जाए, उसके बाद खाना पीना खा के देखा जाएगा क्या करेगा वो लोग, मतलब ऐसे वो लोग बोलेगा सोना है तो फिर हम भी सोएंगे, और वो लोग बोलेगा नहीं जाना है तो फिर सब आदमी जाएंगे, जो करेगा वो लोग 3-4 को हैं, सब साथ का ही गाड़ी है, कंपनी का ही गाड़ी है। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोग से। सो दोस्तों फिलहाल देख पा रहे हैं मेरा खाना आ चुका है, सेवई और रोटी, और तो लोग को अभी नहीं आया, फिलहाल वेट किए 20 मिनट तक नहीं आया, हो सकता है वो लोग उधर ही खा के सो गया होगा, नींद आता होगा तो। सो फिलहाल मेरा खाना आ गया है, सेवई और रोटी, और कल खाते हैं हम भी, और उसके बाद टोल पार करके कहीं पर सोया जाएगा। सो फिलहाल खाना खाते हैं, उसके बाद निकला जाएगा, वो लोग आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोग से खाना खा के। सो दोस्तों खाना पीना खा के तो वहाँ से निकल गए हैं, और वो सब क्या हुआ ना कि वो लोग पीछे ही खाना खा लिया था, तो वहाँ पे जगह नहीं था गाड़ी लगाने की, तो लोग वहाँ पे रुका भी नहीं और सीधे चलते रह गया, तो आगे में रुका हुआ है 10-15 किलोमीटर आगे, तो बोला कि आइए हम आगे में हम लोग हैं, सो हम पीछे खाना खा रहे थे, तो लोग आया गाड़ी की देखा वहाँ ब्रेक भी किया, लेकिन जगह नहीं रहने के कारण वो लोग आगे बढ़ गया।
सो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कहाँ पे है वो। 10-15 किलोमीटर आगे है, जगह के नाम है पानी खोली, वहाँ पे है। और उसके बाद वहाँ जाके फिर वहाँ पे शायद सोएगा सब, तो हम भी वहाँ सो जाएंगे, फिर वहाँ सुबह वहाँ से चला जाएगा अपना। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोग से। सो दोस्तों, फिलहाल हम लोग चंडी खोल पहुँच चुके हैं और अब यहीं पे सोएंगे, क्योंकि हम लोग दो गाड़ी तो साथ में आ गई है लेकिन दो गाड़ी उधर ही रह गया। सो फिलहाल टाइम भी काफ़ी हो गया है, 1 बज गया रात के। सो फिलहाल हम लोग यहीं पे सोएंगे, खाना तो वहाँ खा ही लिए थे और ये भी जो साथ में गाड़ी ये भी खा लिए थे। सो फिलहाल अब यहीं पे सोते हैं और सुबह फिर देखा जाएगा यहाँ से कब निकला जाए और नहीं निकला जाए, इसके लिए सुबह देखा जाएगा। अभी फिलहाल सोते हैं, सुबह उठ के डीजल भी लेना पड़ेगा, थोड़ा डीजल भी नहीं है गाड़ी में। सो सुबह डीजल भी हो जाएगा और अभी डीजल भी नहीं होगा क्योंकि अभी कॉल उठाएगा नहीं कोई, तो डीजल कैसे मिलेगा। मतलब मालिक उलिक या मुंशी वगैरह जो भी है, जिसको भी कॉल करेंगे अभी नहीं उठाएगा क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा है। सो फिलहाल यहाँ पे सोते हैं, उसके बाद सुबह जो भी होगा यहाँ से देख। सो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट और जय हिंद दोस्तों।